मथुरा में 60वें रेजांगला शौर्य दिवस पर शहीदों को किया नमन। 60वें रेजांगला शौर्य दिवस पर कुमाऊं रेजिमेंट के 114 वीर शहीदों की याद में यादव समाज के लोगों ने काली मंदिर से टैंक चौराहे तक निकाला कैंडल मार्च। याद समाज के सैकड़ों लोग ने दी श्रद्धांजलि। 18 नवंबर 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध रेजांगला के एक दर पर हुआ, जहां से चुशुल की घाटी के प्रवेश मिलता है। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील चौकी पर कब्जे के लिए इस युद्ध में 120 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान देकर चीनी सेना के करीब 2000 सैनिकों को रोक दिया था। जिस हौसले और जी का परिचय भारत के वीरों ने दिया, एक चीनी सेना के होश उड़ गए। इस युद्ध में भारत माँ के कई बेटे शहीद हो गए। आज यादव ने ऐसे ही भारत माता के सपूतों और इस युद्ध में शहीद हुए 114 अहीर वीरों को याद कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर यादव समाज के सैकड़ों लोग ने काली मंदिर से लेकर बैंक चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में यादव सभा के डॉक्टर देवेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव गोविंद यादव, जिलाध्यक्ष पूर्व सभासद भगवान दास यादव, पूर्व सभासद सुरेश सिंह यादव, नारायण सिंह यादव, डॉक्टर विजय यादव, रवि यादव, प्रशांत यादव, गौरव यादव सहित समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। मैं गोविंद सिंह यादव, जिलाध्यक्ष यादव महासभा मथुरा। आज का जो कार्यक्रम था वो 1962 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था उसके शौर्य दिवस के रूप में था। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो हमारे 120 अहीर सैनिक 120 अहीर सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और सारे भारत की चौकियों को दोबारा से जीत लिया था। और हमारे 120 सैनिक उस युद्ध में मारे गए थे, उसी के उन्हीं को याद करते हुए आज का ये शौर्य दिवस, रेजांगला शौर्य दिवस मनाया जाता है। और आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से हम आज भारत सरकार से फिर से मांग करते हैं अहीर रेजिमेंट की, क्योंकि अहीरों ने हमेशा बढ़ चढ़कर हर युद्ध में भाग लिया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक हमारी अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई। आपके माध्यम से आज फिर हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि हमारी अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। कैंडल मार्च को निकाला गया, कौन सी जगह से? ये कैंडल मार्च जो है काली माँ मंदिर से लेके और टैंक चौराहे तक निकाला गया। मथुरा के गोवर्धन में वैक्सीनेशन कैंप का किया गया।